हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं। तो फिलहाल अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पूछ रहा है कि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का जो अनुपात है वो लगभग कितना है, 3:2, 3:1, 2:1 या 4:3। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हाइड्रोजन और हीलियम का जो अनुपात है सूर्य में वो है 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वह तारामंडल निम्न है जिसका नाम हंटर है, यानी वह तारामंडल कौन सा है जिसका नाम हंटर है। ऑप्शन आपके पास ध्रुवीय भालू, सीरियस, ओरियन या ग्रेट बियर। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा तारा डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है, बीटलगीज, सीरियस, कंपाला या रीगल। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सीरियस आपका जो तारा है वो डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, लगभग 90 सेकंड, लगभग 180 सेकंड, लगभग 340 सेकंड या लगभग 500 सेकंड। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लगभग 500 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी से तारों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है, प्रकाश वर्ष, फैदम, नॉटिकल मील या किलोमीटर। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। पृथ्वी से तारों की दूरी को हम प्रकाश वर्ष से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक खगोलीय एकक किनके किनके बीच का औसत अंतर है, पृथ्वी और सूर्य के बीच का, पृथ्वी और चंद्र के बीच का, गुरु और सूर्य के बीच का या मंगल और सूर्य के बीच का। तो राइट ऑप्शन बताइए, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के मध्य का, यानी एक खगोलीय एकक पृथ्वी और सूर्य के बीच का औसत अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा ग्रह नहीं है, शनि, सूर्य, बृहस्पति या बुध। तो राइट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा, सूर्य जो है वो एक ग्रह नहीं है, बाकी सब क्या है, ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य एक तारा है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह जो है वो है शुक्र, और पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो है बुध। पर यहाँ मैं अभी मुझे एकदम कंफर्म नहीं है कि बुध ही सबसे पास का ग्रह है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी। फिलहाल सबसे चमकीला ग्रह जो है वो है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ग्रह शुक्र निम्नानुसार घूर्णन करता है, यानी किस दिशा से किस दिशा की तरफ शुक्र ग्रह घूर्णन करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर। तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो शुक्र ग्रह है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, यानी घूमता है, अपनी अक्ष पर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता, बुध, शुक्र, मंगल या वरुण। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वरुण। वरुण ग्रह जो है वो आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वरुण ग्रह का वायुमंडल समान है, किसके समान है, शनि के, यूरेनस के, बृहस्पति के या मंगल के। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वरुण ग्रह का जो वायुमंडल है वो यूरेनस के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पृथ्वी की आयु का अंदाजा किससे लगाया जा सकता है, यूरेनस डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, एटॉमिक क्लॉक से या जैव घड़ी से। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यूरेनियस डेटिंग विधि से। कार्बन डेटिंग से क्या करते हैं, हम जैव जो हमें अवशेष मिलते हैं उनका हम पता करते हैं कि ये कितने वर्ष पुराने अवशेष हैं। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यूरेनियस डेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह विद्यमान है, मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, मंगल और शुक्र या शुक्र और शनि। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पृथ्वी के दोनों ओर, यानी पहले आपका शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है, 1510 किलोमीटर पर घंटे, 1770 किलोमीटर पर घंटा या 1670 किलोमीटर पर घंटा या 1870 किलोमीटर पर घंटा। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1670। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दिन रात किसके कारण होते हैं, यानी जो रात दिन होते हैं उस रात दिन होने के कारण क्या है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन व परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, ना तो पृथ्वी के घूर्णन के और ना ही परिक्रमण के कारण। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ई ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें कह रहे हैं कि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, यानी अगर पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, लेकिन अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी नहीं होती तो सूर्य की किरणें जो लंबवत पड़ती तो किस पर पड़ती? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवो पर या भूमध्य रेखा पर? तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण होने का कारण क्या है? जब सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक रेखा में नहीं होते, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्र आ जाने से, सूर्य और चंद्र के बीच पृथ्वी आने से, या पृथ्वी और चंद्र के बीच सूर्य आने से? तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्तमान में परिचालित भारतीय उपग्रहों में कोई भी बृहस्पति कक्षा उपग्रह नहीं है, संचालन उपग्रह नहीं है, पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह नहीं है या संचार उपग्रह नहीं है? तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बृहस्पति कक्षा उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि किस खगोलीय पिंड को उल्का रूप में भी जाना जाता है? उल्का पिंड, उपग्रह, पुच्छल तारा या क्षुद्र ग्रह? तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उल्का पिंड को खगोलीय पिंड के नाम से भी जाना जाता है, यानी खगोलीय पिंड जो उल्का पिंड है उनको उल्का के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि ज्वार भाटा जो आता है समुद्र पर, उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, ध्रुवीय उच्च वायु भार या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण या अनियत वाही हवाएं? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार और भाटा समुद्र पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि जीएसटी और आईएसटी के मध्य समय अंतराल है, यानी सॉरी जीएमटी और आईएसटी के मध्य समय अंतराल जो है वो कितना है? 6.5, 4, 4.5 या 5.5? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा एक बृहत वृत्त है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या उत्तर ध्रुवीय वृत्त? तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका? तो गाइस यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अबिसिनिया निम्न में से किसका पूर्व नाम है? ईरान का, यूएई का, इथियोपिया का या जॉर्डन का? तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इथियोपिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि किस देश को यूरोप के कॉकपिट के नाम से भी जाना जाता है? इटली, ग्रीस, बेल्जियम या जर्मनी? तो गाइस यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेल्जियम, यूरोप के कॉकपिट के नाम से बेल्जियम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया उसके अध्यक्ष कौन थे? सर मार्टिमर डूरंड, सर हेनरी मैकमोहन, सर सिरिल रेडक्लिफ या लॉर्ड लुइस माउंटबेटन? तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सर सिरिल रेडक्लिफ। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गोभी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? सब्जी के नाम है, मरुस्थल है, चक्रवाती तूफान है या शीतोष्ण घास के मैदान है? यानी जो नाम दिए गए हैं ये क्या है? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मरुस्थल। ये सब क्या है? मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, गोभी मरुस्थल, ये सब मरुस्थल के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, आल्प्स, हिमालय या पामीर? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो इंडीज हो जाएगा। इंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है तोरा बोरा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वजीरिस्तान या बलूचिस्तान? तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सवाना घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में? तो गाइस यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है अफ्रीका में। सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।